हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल एंट्रेंस एग्जाम गाइड। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं AIBE 2021 के एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। जी हाँ गाइस, AIBE 2021 का जो है 16th एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो चुका है। किस तरह से फिल करना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर के, ऑफिशियल लिंक कहाँ से मिलेगी, हर एक चीज़ डिटेल में डिस्कस करेंगे आज हम इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन बटन है उसे दबाना ना भूलें, ताकि अगर इन केस कोई और नया अपडेट आता है, कोई भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, तो हम आपको वीडियो के माध्यम से अपडेट कर पाएंगे, आपको नोटिफाई कर पाएंगे। तो चलिए गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं AIBE 2021 एप्लीकेशन फिल करने के स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को। सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिखाई देगी, उस लिंक को आपको क्लिक करके ओपन कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करने जाएगा, तो स्टेट सेलेक्ट कर लेना आप लोगों को अपना। उसके बाद गाइस आप लोगों को यहाँ पे अपना जो है नंबर ऐड कर देना, मोबाइल नंबर ऐड कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको ईयर ऑफ एनरोलमेंट सिंपली सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे आप ये तीनों चीज सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक जो है यहाँ पे आपको दिया जाएगा, पूरा एनरोलमेंट नंबर दे दिया जाएगा। फिर साथ ही साथ आपको यहाँ पे सिंपली टिक करके एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना होगा। अब जैसे ही गाइस आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्लिक करते ही आप देख सकते हैं आप लोगों के सामने इस तरह का जो एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको जो है जिस एनरोलमेंट सर्टिफिकेट के हिसाब से आप लोगों को यहाँ पे अपना जो है नाम एंटर कर देना होगा। यहाँ पे आपको जो अपना मिडिल नेम एंटर कर देना है, सॉरी यहाँ पे आप लोगों को मिडिल नेम एंटर कर देना होगा अपना। ये गाइस जस्ट फॉर सैंपल के लिए मैं आपको यहाँ पे डाल के बता रहा हूँ, आपको अपना जो ओरिजिनल जो नेम है वो आपको एंटर करना होगा। नेक्स्ट जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद गाइस यहाँ पे फादर या हस्बैंड का नेम, आप जो भी है वो नेम आपको सिंपली यहाँ पे एंटर कर देना होगा। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को अपने फादर का नाम एंटर कर देना है, करना रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको जो है फादर का मिडिल नेम एंटर कर देना है और यहाँ पे लास्ट नेम। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को अपना जो है डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको डेट ऑफ बर्थ भी सेलेक्ट करके बता दे रहा हूँ, आपको एज इट इज जो है करेक्ट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जो है सेलेक्ट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपका जो होगा इस परमानेंट एड्रेस है, वो परमानेंट एड्रेस आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। जो भी स्ट्रीट रहेगी, स्ट्रीट नंबर हो गया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे लिख देनी है। लैंडमार्क कुछ रहेगा लाइक अपोजिट ये, अपोजिट डेट एंड ऑल, उस तरह का आपको जो है लैंडमार्क यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन गाइस यहाँ पे सिटी एंटर कर देना है, उस सिटी का जो पिन कोड रहेगा वो पिन कोड एंटर कर देना रहेगा आपको। और यहाँ पे दिल्ली ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यहाँ पे मैं पिन कोड एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टेट मैंने सेलेक्ट किया था दिल्ली। फिर अगर गाइस आपका करस्पॉन्डेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस सेम है तो आपको सिंपली यहाँ पे टिक कर देना होगा, तो वो एड्रेस यहाँ पे अपने आप फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आप लोगों को जो है अपनी मेल आईडी जो है एंटर कर देनी है। तो लाइक आप देख सकते हैं मैं मेल आईडी एंटर कर रहा हूँ, उसी तरह से आपको भी गाइस अपनी जो है वैलिड मेल आईडी एंटर करनी होगी। फिर आपको मेल आईडी यहाँ पे कंफर्म करनी, तो लाइक सागर कुमार प्रोफाइल एट द रेट gmail.com मेल आईडी आपको वापस से री एंटर कर देनी है। फिर उसके बाद गाइस आपको यहाँ पे अपना जो है मोबाइल नंबर एंटर कर देना होगा। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको जो है एनरोलमेंट और एजुकेशन के रिगार्डिंग डिटेल्स फिल करनी, लाइक आपको यहाँ पे कॉलेज का नाम एंटर कर देना होगा, जो भी कॉलेज है जहाँ से पास आउट हुए, LLB की डिग्री आपने की, वो कॉलेज का नाम एंटर कर देना है। आपका ड्यूरेशन कितने ईयर्स का था, LLB का 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 6 ईयर्स, वो सेलेक्ट करना है। ग्रेजुएशन स्ट्रीम क्या थी वो सेलेक्ट कर लेना है। ईयर ऑफ एडमिशन क्या था LLB में आपको, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 17। फिर ईयर ऑफ पास आउट क्या था आपका, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा। यहाँ पे मैं 3 ईयर्स का सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको गाइस एग्जैक्ट सही डिटेल्स फिल करनी होगी। यहाँ पे जो भी डिटेल्स मैं फिल कर रहा हूँ जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे, आपको सैंपल के तौर पे फिल करो, इसलिए यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम फेस हो रही है। लेकिन अगर आप जो एग्जैक्ट सही डिटेल्स फिल करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इशू फेस नहीं होगी। अब उसके बाद यहाँ पे आपको मास्टर्स डिग्री या कोई और क्वालिफिकेशन अगर है तो आपको सिंपली यहाँ पे जो है जो भी आपकी रहेगी वो आपको यहाँ पे जो है एंटर कर देना होगा। जो भी डिग्री आपके पास रहेगी वो आपको यहाँ पे सिंपली लिख के बता देनी। उसके बाद गाइस यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर आपको कहा जा रहा है, तो यहाँ पे लाइक मैं स्टेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पे जो नंबर रहेगा वो नंबर एंटर कर देना है और आपको यहाँ पे ईयर ऑफ एनरोलमेंट सिंपली सेलेक्ट कर देना होगा। और यहाँ पे गाइस आपको मींस जो भी आपका यहाँ पे स्टेट कोड आ गया, डी आ गया, एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाल दिया 248 और यहाँ पे, या उसके बाद सिंपली आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे ही गाइस आपका जो सर्टिफिकेट एनरोलमेंट नंबर है उस पर क्लिक करेंगे आप, जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा, न्यू टैब ओपन हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम जो सेकंड स्टेप पे आ चुके, अब यहाँ से हमें जो और ज्यादा डिटेल्स पूछी जा रही वो सारी डिटेल्स अब हम यहाँ पे फिल करेंगे। सो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पे कैंडिडेट टाइप सेलेक्ट कर लेना है, फ्रेश या आप रिपीट कर रहे हो, आपकी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। आप डिसेबल हो तो येस, होना सिंपली नो, और अगर डिसेबिलिटी है तो उसको आपको मतलब आपको स्क्रैप चाहिए यानी वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा टाइम आपको चाहिए तो सिंपली येस होना नो पे आपको यहाँ पे कर देना होगा।
20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे यहाँ पे जो 80% डिसेबिलिटी रहेगा या डिसकम्फर्ट रहेगा उन स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको चॉइस एग्जाम सेंटर सेलेक्ट कर, तो फर्स्ट प्रीफरेंस आपका एग्जाम सेंटर जो है वो सेलेक्ट कर लेना है, फिर सेकंड सेलेक्ट कर लेना होगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट अमृतसर सेलेक्ट कर लिया, सेकंड औरंगाबाद सेलेक्ट कर लिया, थर्ड में सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे भोपाल। सो गाइस ये जस्ट एग्जाम्पल सैम्पल के तौर पर मैंने सेलेक्ट किया। उसके बाद जो लैंग्वेज कौन सा रहना चाहिए पेपर का, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे फोटोग्राफ अपलोड करना है, तो उसके लिए सिंपली चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। और उसके बाद गाइस जहाँ भी आपने जो है फोटोग्राफ अपलोड रखे होंगे, फोटोग्राफ जहाँ पे आपने सेव किए होंगे, सिंपली वो फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेना होगा। सो गाइस यहाँ पे मेरा जो फोटोग्राफ का साइज का इशू आ रहा है, क्योंकि मैंने जो एग्जैक्ट वो साइज का फोटोग्राफ बना के नहीं रखा था, डायरेक्टली रैंडमली जो फोटोग्राफ है वो अपलोड करा था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा सिग्नेचर अपलोड हो चुका है। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एनरोलमेंट सर्टिफिकेट भी अपलोड करनी, तो मेरे पास एक सैंपल पड़ा हुआ है सर्टिफिकेट का, मैं वो अपलोड करके आपको बता दे। तो यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास एनरोलमेंट सर्टिफिकेट है नहीं, लेकिन आपको यहाँ पे अपनी वैलिड एनरोलमेंट सर्टिफिकेट जो अटैच करनी होगी, सेल्फ अटेस्टेड जो फोटो आई जाएगी वो अटैच करके सिंपली आपको आई एक्नॉलेज पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको टिक करके आपको सिंपली यहाँ पे जो है सेव पे क्लिक कर देना होगा, और आप जो है अपना जो रजिस्टर आप पूरी तरह से हो जाएंगे गाइस, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी प्रॉब्लम को फेस किए। जस्ट इन केस कोई और प्रॉब्लम फेस होती है और कोई भी डिटेल्स अगर आपको जाननी है, तो गाइस डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करा दी गई है, वहाँ पे आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी डाउट है आप हमें पूछ सकते हो, हम जरूर आपकी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। उसी के साथ गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो नॉलेजेबल रहा हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।